और ये 2500 साल पुराना देखिए यहाँ पर ये स्तूप की पेंटिंग है। कैसे हो आप लोग? आज मैं भोपाल में आ चुका हूँ और देखिए हमारे साथ कौन है। सुमित है, भारत दस्तक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। और कितने सब्सक्राइबर हो गए? मैं भैया 3.7400 तो 3.5 का बोल रहे थे 3.5 भूल गए क्या? 7000 सब्सक्राइबर हो गए इनके। भोपाल से बहुत सारी न्यूज़ वगैरह देते रहते हैं और हम लोग अभी जा रहे हैं वो सांची स्पॉट्स पर और कुछ और ऐसी जगहें हैं यहाँ बहुत सारे बुद्ध स्तूप पाए गए हैं और कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर अभी तक लोगों को पता नहीं उसके बारे में और ना ही उसके बारे में कोई खास जानकारी है इंटरनेट पे भी। तो हम लोग वहाँ पर जाकर बाकी की बात करते हैं। हम किसी का इंतज़ार कर रहे हैं अभी। सांची जाते वक्त जो है यहाँ पर एक कर्क रेखा आपको मिलेगी और ये जो है भोपाल के पास और सांची के बीच में ये जगह मिलती है। तो ये एक खास जगह है इसलिए मैं आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो पहले स्पॉट पे मैं पहुँच चुका हूँ, ये आपको जो पीछे दिख रहा है ये सद्धारा बोलते हैं इसको। और ये आप देखोगे तो चारों तरफ आपको जंगल दिख रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअल में ये फॉरेस्ट लैंड है जहाँ पर सद्धारा के स्तूप पाए गए थे और ये एक बहुत बड़ा कारण था कि जो इस जगह को बहुत बाद में डेवलप किया गया क्योंकि फॉरेस्ट से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। ये फॉरेस्ट लैंड पे आता था। काफ़ी ज़्यादा शानदार जगह दिख रहा है मुझे तो ये। आप लोग आओ तो देखना, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं और डिटेल्स वगैरह यहाँ पर दी हुई हैं। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड दिखाता हूँ मैं सबसे पहले आपको। सम्राट अशोक ने 268 से लेकर 232 ईसा पूर्व पर ये बनवाए थे और इसको जो खोजा था इस जगह को वो कनिंगम आर्कोलॉजिस्ट थे जो उनने खोजा था। और यहाँ पे जो अस्थियाँ मिली थी वो सारी पुत्र एवं महामोगलयान की अस्थियाँ मिली हुई हैं यहाँ पर। बुद्ध की यहाँ पे रॉक पेंटिंग है और वो बहुत खास चीज़ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है कि महात्मा बुद्ध का बना चित्र भी आकर्षक है। सद्धारा बौद्ध स्मारक समूह के आसपास क्षेत्रों में सांची, सोनारी और बाकी जगह दी हुई है कि यहाँ पे कौन कौन से स्पॉट हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। आज हमारे साथ सन्नी नहीं है, सन्नी की जगह हमारा साथ जो दे रहे हैं वो सुमित दे रहे हैं। और सुमित का अच्छा चैनल है, वीडियोज़ मैंने देखे हैं और स्टार्टिंग से ही देखता आ रहा हूँ। काफ़ी अच्छे चैनल्स हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, न्यूज़ वगैरह देते रहते हैं बहुजन समाज की और कुछ खास खबरें भी देते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये देखिए, ये पूरी यहाँ से नदी आई हुई है और ये साथ साथ में चलते जा रहे हैं। सद्धारा इसलिए बोला जाता है कि जो ये नदी है अभी तो इसको हलाली नदी बोलते हैं और ये सद्धारा इस पहाड़ों से सात पानी की धाराएं निकलती थी बारिश के टाइम, अभी देखने को नहीं मिलेंगी, और वो नदी में जुड़ती थी इसलिए इसको सद्धारा बोला जाता है। और ये स्तूप जो इसके किनारे बने हुए हैं काफ़ी सुंदर हैं। आगे कुछ खास चीज़ें वो भी आपको दिखाता हूँ मैं चल के। यहाँ पर ये सामने जो आपको दिख रहा है ये स्तूप नंबर 4 है। सबकी डेजिग्नेशन के हिसाब से ये स्तूप बनते थे। जो सबसे बड़ा स्तूप है वो ऊपर है, वहाँ जाकर भी देखते हैं। सारिपुत्र जी के साथ साथ महामोदगल्याण जी के भी इसमें रिलिक्स मिले थे और दो लोगों के एक ही स्तूप में रिलिक्स मिले हैं, ये मैंने पहली बार सुना है ऐसा। और ये दोनों लोग जो हैं बुद्ध के बहुत खास थे। और यहाँ पर एक है ना, एक बुद्ध की जो मैंने स्टार्टिंग बताया था, मैंने पूछा तो यहाँ पर एक जो एक तस्वीर है जिसे रॉक पेंटिंग बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे जाकर है और बोल रहे हैं कि आप वहाँ जा नहीं पाओगे, ऐसी जगह पर है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो मैं दिखाऊँ। सुमित लगा हुआ है, मैंने उसको बोला है कि ब्लॉगिंग करे थोड़ा सा, अगर वीडियो नहीं भी डाला तो थोड़ा एक्सपीरियंस आएगा उसको भारत दस्तक। ये देखिए ये स्तूप भी वैसा ही है। ये सारे जो स्तूप है ना इनको खोला गया था और कनिंगम जो आर्कोलॉजिस्ट थे उनने इसको खोला था, सबको ऊपर से खोला गया था। अभी तो वापस इनको लॉक बंद कर दिया गया है और जितने भी
अंदर के जो रिलिक्स मिले थे, अस्थियाँ मिली थी, उनको है ना ब्रिटिश सरकार अपने साथ ले गई थी। सारिपुत्र जी की जो अस्थियाँ हैं वो सांची में रखी हुई हैं, और जब कोई टाइम होता है वहाँ जाके पता करेंगे इसके बारे में, जब कोई टाइम होता है तो वहाँ पर इन अस्थियों को निकाला जाता है ताकि लोग उसके दर्शन कर सकें। ये देखिए यहाँ पर एक मोनेस्ट्री भी है, मोनेस्ट्री मतलब जो बुद्ध विहार बोला जाता है, जिनको जहाँ भिक्खु रहते हैं। जैसे घरों में एंट्री होती है उस तरह से यहाँ पर एंट्री बनाई हुई है, और आप देखोगे ज़्यादातर जो पुराने बुद्ध विहार होते थे, मोनेस्ट्री होती थी, काफ़ी व्यवस्थित तरीके से बनी होती थी। सांची के मैं आपको दिखाऊंगा, वो देखते रह जाओगे आप कितने शानदार तरीके से बने हुए हैं। अभी भी खंडर बचे हैं लेकिन बाकायदा कमरे हैं। अब ये पता नहीं ये क्या सिस्टम है, सीढ़ियाँ जा रही हैं नीचे, वहाँ सामने जाके इसे बंद कर दिया गया है। और ये कुछ कुआ सा दिख रहा है, अच्छा रहा इन लोगों ने पैक कर दिया, वरना कोई गिर सकता था। जल्दी आ जाओ, खो जाओगे वरना यहाँ पे। तो ये पूरा जो जंगल एरिया है, और यहाँ पर है ना मतलब अकेले अगर आप आते हो तो मुझे लगता है थोड़ा ख़तरनाक हो सकता है, कोई जानवर वानवर मिल जाए तो। कम से कम ग्रुप में आना, चार पांच लोगों के, क्योंकि यहाँ पे आपको एक व्यक्ति नहीं मिलेगा, बहुत सुनसान है। और ये फॉरेस्ट एरिया है ख़ास तौर पर। और क्या, पीछे रह जाओगे तो पीछे तो उठा ले जाएगा शेर। चलो, तो ये थोड़ा सा एरिया ऐसा है जहाँ पर जाना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ मैं वहाँ तक जाने की। एक्चुअली वो रॉक पेंटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इतनी दूर आए हैं यार, ग्वालियर से भोपाल, भोपाल से सतधारा, तो वो रॉक पेंटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो वो तो मैं कवर करूँगा ही करूँगा, भले मुझे पहाड़ उतरना पड़े पूरा। क्यों, पहाड़ उतर लोगे नीचे? उतर लोगे ना? ये दूसरे नंबर की मोनेस्ट्री है, बुद्ध विहार है, और इसमें मुझे कुछ अच्छा, ये रास्ता है, ये देखिए मुझे कमरा टाइप का लग रहा था। और यहाँ से देखिए कितना बाकायदा एक एंट्री होती है, जैसे हर घर में उस तरह से यहाँ पे एंट्री दी हुई है। और ये एंट्री से जो क्या मतलब मनमोहक दृश्य रहा होगा, पीछे नदी है, यहाँ पे आपका एक मोनेस्ट्री बना हुआ है, यहाँ तो पूरा इलाका दिख रहा है मुझे दूर दूर तक। मुझे लगता है कम से कम नहीं तो 100-150 किलोमीटर तक तो दिख रहा है यहाँ से। और ये सारे जो है ना सम्राट अशोक ने बनवाए हैं। तो आप सोचिए, हम गुजर्रा गए थे, वहाँ पर एक पत्थर था, यहाँ हर चीज़ जो आपको ये दिख रहा है सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया है। ये देखिए सुमित जो है ऊपर है, और यहाँ तक आना थोड़ा कठिन काम है। अगर आप आ रहे हो तो कौन सा स्तूप, नंबर 6, स्तूप नंबर 6 से जो है नीचे आते हैं। और अगर यहाँ पर आ रहे हो तो पूरा मतलब अच्छे जूते हों तो ही आना, क्योंकि यहाँ हर एक पत्थर जो हिल रहा है, और मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि अगर हम नीचे गए तो ये बहुत गहरा है। ये देख रहे हो आप नीचे, तो कम से कम नीचे एक पत्थर वहाँ गिरेंगे और वहाँ जाने के बाद नीचे गिरेंगे, मतलब कम से कम पैर तो टूट ही जाएगा, नीचे उतरना ही तो कठिन है। सो अगर आप आ रहे हो तो कम से कम 4-5 लोग हों साथ में, कि बाई चांस एक गिर भी जाए तो कम से कम उसको बचाने के लिए लोग तो हों। कैसे मतलब ये यहाँ बैठ के उस पर पैर रखूँ तो वो आदमी आ जाएगा। पीछे देखना। तो देखिए ये जो पहाड़ी थी ना, इस पर उतरना कठिन नहीं था, लेकिन थोड़ा डर तो रहता ही है, नीचे अगर गिरते तो बहुत गहरा है। और बस पहुंच गए हैं, और यहाँ पर जो है ना आपको दिखाता हूँ मैं, लगभग 2000 साल पुराना एक रॉक पेंटिंग, जिसको ख़ास तौर पे हम देखने आए थे, क्योंकि हमने स्तूप तो बहुत देखे हैं मैंने, लेकिन रॉक पेंटिंग शायद पहली बार देख रहा हूँ मैं। देखिए ये जो दिख रहा है ना, ये फेड हो गया है, बुद्ध की तस्वीर है,
अगर आप आते हो तो उसको छूना मत, क्योंकि ये फेड होने की कगार में है। अगर कोई गवर्नमेंट वाला कोई देख रहा है आर्कियोलॉजी विभाग का, तो इसको थोड़ा सा कोशिश करिए कि इसको संरक्षित की जाए, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ रिपोर्टिंग कर सकते हैं, ये संरक्षित करना गवर्नमेंट का काम है और बहुत ज़रूरी है। और ये 2500 साल पुराना, देखिए यहाँ पर एक पेंटिंग है, ये आपको दिख रहा है, ये स्तूप की पेंटिंग है। और ये चीज़ ऐसी है, आप जो लोग यहाँ घूमने आते हैं वो तो यहाँ कतई नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ आना कठिन काम है। एक और कुछ दिख रहा है यहाँ पर एक छोटा सा, ये भी स्तूप जैसा कुछ आकार दिख रहा है। और ये देखिए यहाँ पर कुछ लिखा भी है, ये गुजर्रा गए थे वहाँ पर ब्राह्मी लिपि थी, जिसमें अशोक ने कुछ लिखवाया था वहाँ पर, उसी तरह से मुझे लग रहा है यहाँ पर भी ये ब्राह्मी लिपि हो सकती है। इतनी क्लियर नहीं दिख रही है, और ब्राह्मी लिपि को पहचानना थोड़ा कठिन है, क्योंकि उसकी जैसी एक प्रगति लिपि भी होती है, तो ये कौन सी लिपि है एग्जैक्टली नहीं बता सकता मैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पानी के स्रोत दिख रहे हैं, ये पानी जो कैल्शियम जम जाता है ये वो दिख रहा है। तो ये सारा पानी जो यहाँ आ रहा है और ये सब फेड करता जा रहा है, मतलब अभी भी चांसेस हैं इन चीज़ों को बचा कर रखा जा सकता है। और आप यहाँ से देखिए, यहाँ से बुद्ध की जो आकृति है ना, बिल्कुल क्लियर दिख रही है मुझे, तो कैमरे में पता नहीं दिखे ना दिखे, बुद्ध की आकृति बिल्कुल क्लियर दिख रही है, स्तूप बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं, और यहाँ के जो है ना ये फेड हो गए हैं, यहाँ पर जितना भी चीज़ें सब फेड हो चुकी हैं। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए यहाँ एक चिड़िया का घोंसला बना हुआ है, तो इस तरह से ये धीरे धीरे ख़राब हो रहे हैं। और यहाँ से कम नहीं तो 2 मंजिल गहरा होगा ये ना, 2 मंजिल गहरा है यहाँ से, देखो आपको दिखाऊं। और जिस तरह से एक सोचा जा सकता है कि जब यहाँ पर जगहों पर 2-3 पेंटिंग्स बनी हैं, तो यहाँ और भी पेंटिंग हो सकती हैं अगर ढूंढा जाए तो। यहाँ आए थे कभी तुम? यहाँ बनी है पेंटिंग? हम कह रहे थे दादी होगी कई मूर्ति, लेकिन देखी नहीं। अच्छा, देखा था, आए थे उधर से, देखते आए थे। अरे तुम रहने दो, बताओ गिर जाओगे। तो जो लोग बुद्धिज़्म में PhD करना चाहते हैं या कर रहे हैं, वो लोग यहाँ आकर कुछ टॉपिक्स ढूंढ सकते हैं, और यहाँ पे ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स भी मिल सकती है। देखिए यहाँ पे किसी ने नाम लिख दिया है, ASR, यहाँ दिख रहा है दूर से, तो कोई यहाँ आया होगा उसने ASR लिख दिया। ये चीज़ बड़ी ख़राब होती है, आप लोगों को समझना चाहिए, ये हज़ारों साल पुराने चित्र हैं, इनसे कुछ खास जानकारी निकल के मिल सकती हैं, गारंटी नहीं बोल रहा, एटलीस्ट ये तो पता चल रहा है कि हज़ारों साल पहले बुद्ध की जो असली तस्वीर जो हम लोग आज भी देखते हैं अपने कंप्यूटर्स में या फिर मूर्तियां देखते हैं, तो सच में बुद्ध जो हैं वैसे ही दिखते थे, कम से कम ये प्रमाण है 2000 साल पुरानी तस्वीर के द्वारा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे स्तूप हैं, थक गया हूँ काफ़ी, हेल्थ ज़्यादा है मेरी, कोशिश कर रहा हूँ कम करने की, और अभी भी पहाड़ी चढ़ के आया हूँ। तो ये देखिए, ये सारे जो होंगे जो मेन भिक्षु थे उनके शिष्य होंगे ये। अच्छा, मैं आपको लोगों को ये बता रहा था कि यहाँ टोटल 27 स्तूप हैं, तो ये प्रूफ है, सामने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्तूप नंबर 27, ये 27वां स्तूप है, मतलब टोटल स्तूप की जो यहाँ पे गणना हुई है वो 27 कन्फर्म है। काफ़ी अच्छी जगह है बुद्धिज़्म के लिए, मेडिटेशन करने वालों के लिए, एटलीस्ट आपको ये देखना चाहिए। आप लोग नहीं आ सकते इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ, ये जंगल के अंदर तक वहाँ पे स्तूप हैं, वीडियो रिकॉर्ड करना ज़रूरी था। ये सारे स्तूप्स दिख रहे हैं, ये कोई मसाले वाली खबर नहीं है मैं जानता हूँ, तो इतने व्यूज़ नहीं आएंगे, बट फिर भी इन सबको कवर करना बहुत ज़रूरी था। तो ये जो है सतधारा था, इसमें 27 स्तूप हैं छोटे बड़े, एक बड़ा स्तूप भी था जो मैंने आपको दिखाया, 2 बुद्ध विहार बने हुए हैं, नीचे रॉक पेंटिंग है, ऐसी और भी बहुत शानदार चीज़ें हैं। और ये पूरा जंगल एरिया है, फॉरेस्ट एरिया में आता है, एक नदी है यहाँ पर, तो एक अच्छा, अगर बुद्धिस्ट हो तो भी आप आ सकते हो, एक अच्छा पिकनिक स्पॉट भी है, लेकिन पिकनिक स्पॉट वाले लोग ना आए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जगह ख़राब होगी। ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सांची के स्तूप दिखाऊंगा,
और वहाँ जाकर इसकी रिकॉर्डिंग करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके बताइए कि आपको क्या चीज़ें पसंद आई हैं, और इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये वीडियो में ऐसी बहुत सी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। रॉक पेंटिंग है, रॉक पेंटिंग की जो उसको प्रिजर्व करने का ज़रूरत है, जो ख़राब हो रही है धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगी। मुझे लगता है 10 साल और वो दिखेगा, उसके बाद वो गायब हो जाएगा। तो मैं लकी था जो मैंने उसका वीडियो बना पाया, और इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, आपके लाइक से मैं मोटिवेट होता हूँ और भी इस तरह से जगहों पर जाने के लिए हिम्मत मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। कीप सपोर्टिंग।